दोस्तों, रतन टाटा जी एक ऐसे नेक और महान इंसान है जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने देश के लोगों के लाइफ की गुणवत्ता को बढ़ाना और मानवता का ज्यादा विकास करना है। और आप जानते ही है कि रतन टाटा जी हमारे देश के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। और रतन टाटा जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे बहुत सारे अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में उनको ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च अवार्ड्स में से एक है। और उन्होंने कई बार हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीच दी हुई है और उनके द्वारा कही गई बातें भी संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक लोग एक्सेप्ट करते भी है। और आज हम आपको रतन टाटा जी की कही तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर और उसको फॉलो करके कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में बदलाव कर सकता है और सक्सेस को अचीव कर सकता है। उसमें फर्स्ट बात है, रतन टाटा जी कहते हैं कि लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान को कोई और नहीं बल्कि अपनी खुद की सोच और खुद की मानसिकता ही उसको बर्बाद कर देती है। ये बात सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस को हासिल करने के लिए उतनी कोशिश, मेहनत और स्ट्रगल नहीं करना चाहते। क्योंकि सिर्फ सोचने से या सपने देखने से ही यदि कोई अमीर बन पाता तो आज दुनिया में हर कोई अमीर और सक्सेसफुल होता। और इंसानों की बात करें तो हर एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी लाइफ में बड़े से बड़े मुकाम को इजीली पा सकता है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर वो लोग फेलियर के डर से कोई रिस्क नहीं ले पाते, या फिर अपने आरामदायक जीवन को बदलना नहीं चाहते, और इसी वजह से वे लोग अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रह जाते हैं। और इसी के चलते ज्यादातर लोग अपनी रियल क्षमता और अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते और छोटे मोटे कार्यों में ही अपनी लाइफ को यूं ही गवा देते हैं। दोस्तों, आपको समझना ही होगा कि छोटी सोच इंसान को लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्मल मानने लगोगे तो निर्मल बन जाओगे और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रतन टाटा जी ने कहा है, वो है हमेशा पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी 8 घंटे में आपको पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाए और ऐसा करने से सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आप लोग इस बात से तो एग्री करोगे कि आज के टाइम पर ज्यादातर यंगस्टर्स अपने किसी एक आइडिया पर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते और उनका गोल उनकी प्रायोरिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। वो लोग लाइफ में कभी इंजीनियर बनना चाहते तो कभी एक एक्टर, तो कभी वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी वो सिंगर, तो कभी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो कभी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। और ऐसा बार बार करने से उनका फुल फोकस और एनर्जी डिवाइडेड हो जाती है और उसका कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। इसीलिए अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। और जब एक बार आपने अपनी लाइफ में अपना गोल डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करें और उस गोल को पूरा करने के लिए जरूरी स्किल्स और हुनर को सीखे और उस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा कर ले और अपने हुनर की धार को इतनी तेज कर ले कि उस गोल को पूरा करने में कोई भी मुश्किलें या अवरोध आए तो वो आपके सामने टिक ही ना पाए। इसके लिए आपको पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस, नॉलेज और स्किल को सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन में लगाना होगा जो आपको अपने गोल को पाने के लिए और सक्सेस हासिल करने में बहुत हेल्प करे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो और उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को दूर रख दो। यही एक सफल होने का बढ़िया तरीका है। अब नेक्स्ट है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रतन टाटा जी कहते हैं, वो है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसी जी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम अब जिंदा नहीं है। और दोस्तों, हकीकत यही है कि जब तक कोई व्यक्ति असफलताओं से या मुश्किलों से
या लाइफ की चुनौतियों से डरता रहेगा तब तक वो कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल और महान इंसान हुए हैं, उन सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी असफलता का स्वाद जरूर चखा है। जब आप अपने गोल को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी चुनौतियां आती रहती है और आपको उसका डटकर मुकाबला करना होगा और हमेशा आगे बढ़ने का सोचना होगा। क्योंकि ये फेलियर्स, मुश्किलें और चुनौतियां ही आपको और ज्यादा अनुभवी और ज्यादा सक्षम और बहुत मजबूत बनाते हैं और उसी वजह से आप सक्सेस की तरफ जल्दी बढ़ पाते हैं और अमीर भी बन पाते हैं। और हमेशा ये याद रखना कि कुछ किए बिना यूं ही जय जय कान नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।